कुछ कविताएं ऐसी होती हैं शैलेश जी जो आप बचपन में सुनते हैं और वो आपके साथ रह जाती हैं, क्योंकि वो आपको बहुत प्रेरित करती हैं और बहुत प्रभावित करती हैं, आपके जीवन का एक मूल मंत्र बन जाती हैं। तो ऐसी एक कविता है गोपाल प्रसाद व्यास जी की, हाँ, जिसको मैंने अपना लिया। स्वर्गीय गोपाल प्रसाद व्यास जो हिंदी हास्य के बहुत बड़े नाम थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे, मुझे लगता है बहुत आलसी थे। अरे आलस याद है, दो लोग थे गुरु चेला, बहुत ही आलसी, बेहद आलसी, दोनों लेटे हुए थे। बहुत टाइम के बाद गुरु ने चेले को बोला, देखना बारिश आ रही है, खिड़की खुली तो नहीं हुई। चेले ने कहा, क्या जरूरत है, खिड़की खुली होगी, पानी आ जाएगा अंदर, यहाँ आएगा, पता लग जाएगा, रहने दो। उन्होंने कहा सही बात है। थोड़ी देर के बाद फिर बोला, कहीं वो बिल्ली दूध तो नहीं पी गई, देखना। गुरु जी क्या है, बिल्ली आएगी, थोड़े बर्तन वर्तन गिरेंगे, आवाज पता लग जाएगी बिल्ली आएगी नहीं, उससे जाने की क्या जरूरत है। आधे घंटे बाद फिर वो बोले, देखा कहीं डाकिया तो नहीं आया। उससे मतलब, गुरु जी दो काम मैंने किए, एक काम आप कर दीजिए ना। ऐसे जोक से मैं बहुत प्रभावित हुआ और ऐसी कविता से भी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, गोपाल प्रसाद व्यास जी की कविता है, आराम करो। और आपके ढील ढोल से भी लगता है आप किससे क्या सुना सकते हैं, आराम करो। ठीक, सुनाइए। एक मित्र मिले, बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस डेढ़ छटाक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। क्या रखा है मांस बढ़ाने में, मनहूस अकल से काम करो। संक्रांति काल की बेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। संक्रांति काल की बेला, हमारे नई पीढ़ी के बच्चों को बता दें कि पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जो है चल रहा है, उसको हम कहते हैं संक्रांति काल। जी, हम बोले रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम करो, आराम रखे, आराम जिंदगी की कुंजी। इसे न तपेदिक होती है, तपेदिक टीबी ट्यूबरकुलोसिस, आराम जिंदगी की कुंजी, इसे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। इसलिए तो मैं समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, ये जीवन यौवन क्षण भंगुर, आराम करो, आराम करो, क्या बात है। फिर वो कहते हैं, यदि करना ही कुछ पड़ जाए, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक ना तुम उत्पात करो, अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा, जो रखा बात बनाने में, होंठ हिलाने में जो रस है, वो कभी ना हाथ खिलाने में। मुझसे पूछो बतलाओ, है मजा मूर्ख कहलाने में। जीवन जागृति में क्या रखा, जो रखा है सो जाने में। क्या बात है, मैं यही सोचकर पास अकल के कम ही जाया करता हूँ, जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। दिए जलने से पहले ही मैं घर आ जाया करता हूँ, जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके सो जाया करता हूँ। मेरी गीता में लिखा हुआ, सच्चे योगी जो होते हैं वो कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं। अदवाएं खींची खाट पे, जो पढ़ते ही आनंद आता है, वो सात स्वर्ग उपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। क्या बात है, जब सुख की नींद कड़ाह तकिया इस सर के नीचे आता है, तो सच कहता हूँ इस सर में इंजन जैसा लग जाता है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक फक करती है, भावों का रश हो जाता है, कविता सब उमड़ी पड़ती है। मैं औरों की तो नहीं बात पहले अपनी ही लेता हूँ, मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। वाह वाह वाह, मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिया पे गीत फूटते हैं, छत की कड़ियां गिनते गिनते छंदों के बंद टूटते हैं। मैं इसलिए तो कहता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, ये खाट बिछा लो आंगन में, बैठो लेटो आराम करो, आराम करो, आराम करो।